इतनी बड़ी गाड़ी लेके? आज मेरा फर्स्ट डे। Oh my God, हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। आपने तो मुझे सरप्राइज किया था, इतना स्मार्ट सा आदमी, डंडे चंडे बनाए हैं, रिवो में है यार, ये करीम है। अच्छा, it was so good, it was so pleasant and so surprising. ठीक है, बैठे बैठे। कितना बनेगा? वो तो सर बाद में पता चलेगा कितना बनेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज सुबह के 10:10 हो रहे हैं और आपका भाई जॉब पे जाने के लिए रेडी है। कौन सी जॉब है, क्या सीन है, वो थंबनेल देख के तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा। आज के दिन जो है ना, मैं रेवो के अंदर एज अ ड्राइवर, पब्लिक ड्राइवर जो है वो मैं चलाऊंगा, कैब चलाऊंगा, ठीक है? और क्या सीन होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है मुझे नहीं पता, जो भी होगा देखा जाएगा। बेगम, क्या लगता है आपको कि रेवो चलाना, क्योंकि जाहिर से ना डीजल ज्यादा लगता है, तो कुछ पैसे बचेंगे या लॉस्ट में जाएगा सीन सारा? कोई आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम। कोई आइडिया नहीं है, चलो चलते हैं और अलग अलग ही किस्म का आज एक्सपीरियंस करते हैं। आ जाए सही मम्मी, मैं जा रहा हूँ। ओके लावे, आज मैं पब्लिक ड्राइवर हूँ। एक और दिन, एक और मिशन के लिए तैयार हो जाए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं अभी जो है ना फर्स्ट टाइम वो एप्लीकेशन को लॉगिन करने जा रहा हूँ, और लिटरली मुझे उस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उस कैसे जो है वो चलाते हैं, कैसे उसके ऊपर राइड आती है, कैसे आप उसको फॉलो करते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस होगा मेरा। चले भाई, फाइनली अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ओके, और अभी मैं इस वक्त जो है ना कहीं भाद्राबाद के करीब करीब मौजूद हूँ, देखते हैं फर्स्ट राइड आती है तो कहाँ से आती है। भाई लॉगिन हो गई है एप्लीकेशन और मेरा स्टेटस ऑनलाइन है, अभी तक कोई राइड आई नहीं, देखते हैं कितनी देर में राइड आती है। जब तक राइड आती है ना, तब तक मैं गाड़ी की थोड़ी सफाई कर देता हूँ। ये देखें, पीछे मेरा जैकेट पड़ा हुआ है, पानी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, और ये बेगम का एक अदद कैचर पड़ा हुआ है। भाई राइड आ गई, राइड आ गई, राइड आ गई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मबरूक, बुकिंग कन्फर्म, यू हैव टू अराइव एट 12:03 पे, चेज वैल्यू सेंटर जाना है मुझे, वहां से पिक करना है। स्टार्ट नेविगेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे वाकई लग रहा है कि आज मैं ड्राइवर की नौकरी पाया हूँ, आज मेरा पहला दिन है, ठीक है। जाना किधर इनको? डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन जाना है। चले भाई, चले भाई, दुकान खुल गई अपनी, आप लोगों को लेके चलते। सर कहाँ जाएंगे? डॉलमेन। जी हाँ बिल्कुल, एवरेज का इशू होता होगा। मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैंने आज सिर्फ एक दिन के लिए करीम चलानी है, बस सिर्फ एक दिन के लिए। ऐसे ही जस्ट एक्सपीरियंस, दिल करा था मेरा कि यार जरा चलाते हैं। नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करता भाई। ट्रिप एंड हो गया है और 753 रुपए कमाए आपके भाई ने। 753 रुपए आपके भाई की पहली कमाई, लेकिन इससे ज्यादा डीजल जल चुका होगा। अब हाइपरस्टार के छांव में ही हम खड़े होके जो है ना दूसरी राइड का इंतजार करते, ठीक है, कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। भाई 15-20 मिनट हो गए यहाँ इंतजार करते करते, कोई राइड राइड नहीं आ रही है। अब थोड़ा आगे पीछे जरा जो है ना यही डीएचए क्लिफ्टन में घूमते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राइड तो आई जाएगी। दोपहर के टाइम पे सी व्यू कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब यहाँ पे इस साइड पे इन लोगों ने काम किया है, कोई पार्क शार्क बनाया है। देखें जद्दा कॉर्निश वाली फीलिंग्स आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, ये देखें। अच्छी बात है यार, कुछ अच्छा होना तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। नहीं मतलब जद्दा कॉर्निश तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझता हूँ ऐसा ना जद्दा वाले बुरे मान जाए, लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना कुछ अच्छा लग रहा है देख के। यार 1.5 घंटा हो गया, कोई राइड ही नहीं आ रही यार क्लिफ्टन वालों, क्या हो गया? मतलब आपका भाई लेके घूम रहा है वो, यार आप लोगों को गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए क्या यार? आपके पास खड़ी भी है यहाँ पे, किसी को नहीं चाहिए भाई राइड वाइड यहाँ पे, हम किसी और इलाके में जाते हैं। राइड साइड तो आ नहीं रही, जब तक जो है ना हम लोग देखते हैं। सांप, कौन सा सांप है तुम्हारे पास? बोगी वाला, दिखाओ दिखाओ। बच्चों वाला सांप तो नहीं है? बच्चों वाला। अच्छा दिखाओ, जरा दिखाओ। दो मुंह वाला है? अरे यार दो मुंह वाले के नाम पे हमारे साथ बहुत बड़ी टोपी हुई थी, दिखाओ जरा। इसको पता है क्या बोलते हैं? नहीं, सैंड बुआ। सैंड बुआ निकाल के दिखाओ। यही मिला था हमको। इसका दूसरा मुंह कहाँ है बताओ? ये गर्मी में खुलता है और ये सियार है। अरे भाई कमेंट पे इतने लोगों ने जो है ना मुझे समझ के बताया था कि इसके दो मुंह नहीं होते, गर्मी में नहीं खुलता ये, गर्मी में नहीं खुलता ये मुंह भाई। एस पर सपेरा के दूसरा मुंह जो है ना गर्मी में खुलता है। अच्छा ये जहरीला होता है? नहीं होता ना जहरीला। कोबरा है, जलेबी है। जलेबी है? ये जलेबी कौन सा होता है? ये जलेबी होता है पिक्चर बनाने के लिए, और गले में डाल के पिक्चर बनाते लोग, और हाथ वगैरह में डाल। अच्छा ये कोबरा कहाँ से, कौन से इलाके से पकड़ते हैं? ये पकड़ते हैं थर मिट्टी से सर। अच्छा मिट्टी थर जो बॉर्डर के साथ लगता है इलाका। सही सही सही। तो ये जो आपके पास है ये जहर वाला है या नहीं? ये कोबरा में जहर होता है लेकिन इसका जहर निकाल देता है। अच्छा जहर निकाल दिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। आज अभी राइड देख ले क्या क्या करना पड़ रहा है हमको। अच्छा ये बजाते हैं तो इससे क्या होता है?
पे नाचता है ना। अच्छा नाचता नहीं, नचाओ नहीं इसको, ऐसे ही रहने दो, हमने तो सिर्फ देखना है कैसा दिख रहा है। ओए होए 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 भाई, ये किंग कोबरा मन के वाला, ये किंग कोबरा है। और अभी इसके अंदर जहर नहीं है, अभी इसके अंदर जहर है। सही है। इसका मुंह कैसे पकड़ते हो आप? इसका मुंह ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ लेते हो। और आपको काटता वाटता नहीं है ये? काटता भी है। अच्छा, लेकिन जहर नहीं होता, सिर्फ खून निकलता है। अच्छा, इसमें जहर नहीं होता? इसमें जहर नहीं, पक्की बात है? पक्की। और अगर इसने मेरे को काट लिया फिर? कुछ नहीं हुआ, पकड़ लूं, पक्की बात है? पकड़ सकते हो सर, ये तो पालने वाला सांप है। कोई पालने वाला सांप है? हाँ। अबे भाई करीब नहीं आना। अबे भाई आप पे चलता है, काटता वाटता नहीं। अच्छा हाँ, चलता है, देखो ऐसे चलता है। देख ले भाई, मैंने इसके बात पे भरोसा कर लिया है। हाँ भाई, ये चाहिए तोहफे में, ले लो ले लो। अबे भाई क्या कर रहा है यार, गर्मी हो रही थी, मैंने जो है ना अपना ऊपर उतार दिया। भाई दूसरी राइड आ गई, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, दूसरी राइड आ गई। जी आप करीब में? हाँ जी हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी लेके? आज मेरा फर्स्ट डे। ओह माय गॉड, हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, हमारा लगेज कहाँ रखेंगे आप? आप पीछे? पीछे जी। आराम। कैसी लगी आप लोगों को गाड़ी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, यू आर वेलकम, आई एम द बेस्ट। अब जो हमारी सेकंड राइड आज के दिन में हमने उठाई है ना, उसके अंदर ये देखें, ये आए हैं इत्तेफाक से अदनान भाई। कैसे बजट? खैरियत से? ठीक ठाक। आपने तो मुझे सरप्राइज किया, मैंने कहा इतना स्मार्ट सा आदमी, डंडे चंडे बनाए हैं, रीवो में है भाई यार, ये करीब है। अच्छा, इट वाज सो गुड, इट वाज सो प्लेजेंट एंड सो सरप्राइजिंग, तो इससे ग्रेट, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ भाई से, द वे ही इज एक्सप्लोरिंग लाइफ। जबरदस्त। तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी आपकी? जाएंगे पहले लाहौर, लाहौर से फिर हम चारसदा जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मैं लाहौर में शूटिंग वूटिंग करूंगा। अच्छा, ये बाकी की बच्चा पार्टी जो है, और सही, सही। ये सब जो है सही, ये दे विल बी हैविंग फन एंड आई विल बी वर्किंग हार्ड लाइक ऑल द अदर गाइस। सही बात, सही बात भाई। टाइम पे जो है ना इनको पहुंचा दिया, क्योंकि जो है इनकी फ्लाइट थी 4 बजे और अभी 3:15 बजे, फिर आपके भाई ने भगाया। सही है, इन्होंने बोला भाई जल्दी पहुंचा है, तो मैंने बोला सही बंदे के पास आए हैं आप लोग। ओके जी, खैरियत से जाएं, टाइम पे पहुंचा दिया आपको सर, बहुत सर, बहुत अच्छा चलें जी, बहुत अच्छा लगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। इस सेकंड राइड से हमने कमाए हैं 1598 रुपए। इसका मतलब ये है कि ये हमारी कैश की राइड है, कुछ तो हाथ में आया ना। 1598 डन हो गया। दो राइड हो, ये पूरा दिन, आधा दिन गुजर गया, अभी तक सिर्फ दो ही राइडें की। अब जोर की नमाज पढ़ते हैं। चले भाई, अब अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज भी पढ़ ली, अब दोबारा चलते हैं ड्राइवर बनने। देखिए, जो सेकंड राइड वाली जो फैमिली थी, वो जाहिर सी बात है खुद ही एक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि यार आप हमारी वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो बना ले, कोई मसला नहीं है। तो मैंने उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, उनके रिमार्क्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लिए। वरना ये कि हम हर कस्टमर का नहीं दिखा सकते, चेहरा नहीं दिखा सकते, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। और अब तीसरी राइड आ गई है। तीसरी राइड कहाँ से आई है? PF म्यूजियम के पास खड़े हुए भाई, तो अब आपका भाई वहाँ पे लेने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि तीसरी राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये आ गए भाई हम PF म्यूजियम, दिल तो कर रहा है थोड़े झूले हम भी झूल लें। फैमिली सामने खड़ी हुई है लेकिन वो इशारा नहीं दे पा रहे, वो उनको कंफ्यूज हो गए कि ये क्या सीन हो रहा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आइए बैठे। सब्जी मंडी जाना है इसी सेक्टर में? ठीक है, बैठे बैठे। कितना बनेगा? वो तो सर बाद में ही पता चलेगा कितना बनेगा। देख के कंफ्यूज हो गए कितना बनेगा, पहले से पूछ रहे हैं। तीसरी राइड को हमने अस्करी पार्क के पास उतारा। ये साहब जब गाड़ी में बैठे ना, तो ये टेंशन में थे ना, सारी पूरी फैमिली टेंशन में थी, बोला यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, इन्होंने पूछा कि यार मैं तो ऑल्टो गाड़ी मंगवाना चाह रहा था, इसके ज्यादा पैसे लगेंगे? मैंने बोला नहीं नहीं, टेंशन नहीं है। मैंने बोला ये ऑल्टो ऑल्टो इसके सबके बराबर है, मैंने बोला ये नॉर्मल कैटेगरी की गाड़ी है, जो करीब होती है वो आ जाती है। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिले और मैं खाना खा लूँ, भूख लगी है टाइट वाली, लेकिन अभी तक मैं जो है वो नहीं खा पाया। और मैंने अभी तक सिर्फ 3 राइड्स ली हैं, इसमें इतना सारा टाइम लग गया। सोचे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो पूरा दिन जो है वो एज अ कैप्टन गाड़ी चलाते हैं, एज अ कैब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, तो उनका भी यार रूटीन कितना डिफिकल्ट होता होगा। उनकी कोशिश ये होती होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा राइड्स करें ताकि जो है वो कुछ पैसे अर्न कर सकें, और इस चक्कर में पता नहीं जल्दी जल्दी में वो कैसे खाना खाते होंगे, क्या करते होंगे, बड़ा मेहनत का काम है। आ गई भाई, आ गई राइड, आ गई, एक्सेप्ट करते हैं फौरन। फौरन एक्सेप्ट किया, देखा ही नहीं कहाँ की है यार, मतलब कितनी अजीब हरकत है। आप देखें यार कि 11 मिनट, 4.7 किलोमीटर मैंने सिर्फ राइड को उठाने के लिए जाना पड़ेगा, पैसे इतने नहीं है। डीजल गाड़ियां जो चलाने वाले ना, वो मेरा दुख समझ सकते हैं अभी भाई। मैं तो खालिद बिन वलीद रोड पे आ गया, उसका मतलब किसी शोरूम वाले ने बुक की है ये शायद। टेल मी मोर हैंडसम, ओके, वंस यू विल लिसन दिस यू विल लव इट। सो यू लाइक इट? थैंक यू भाई। हमारी जो फोर्थ राइड है ना, वो चाइना से आए हुए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं। हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन कराची?
Hello, Kalachi. Ah, that's very good. Hello, Pakistan. Yes, that's very good. Yeah. That's very good. Thank you. We are good brothers. Yes, we are brothers. We have a very good relationship. Alhamdulillah. Yeah. You enjoy the ride with me? देखा आप लोगों ने फोर्थ राइड हमें जो है ना चाइनीज मिल गए थे और इन्होंने मेरे साथ बड़ा एंजॉय किया। जैसे ये गाड़ी में बैठे ना इन्होंने बोला कि इस स्क्रीन के अंदर लगाओ कोई रॉकिंग म्यूजिक पाकिस्तानी लगाओ, तो आपके भाई ने बताया क्या क्या, हमने कलाम लगा दिया अपना मौलाया सल्ली व सलीम, इन्होंने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह, इनको बहुत मजा आया, बल्कि इसने मुझे बोला कि आवाज बढ़ाओ इसकी, तो आवाज बढ़ाई मैंने और खैर बहुत एंजॉय किया। अब मैंने इनको ड्रॉप भी कर दिया है और जब ये अब मेरे फूड ब्लॉग्स देख रहे थे ना, मैंने इनको बताया चैनल का, तो इनके मुंह में पानी आ गया, उन्होंने बोला यार ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, तो ये सिलसिला हो गया। अब मेरे ख्याल से जो है ना छुट्टी का टाइम हुआ जाता है, हम अपना सीन जो है ना यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है ना मैं भूखा घूम रहा हूँ, ऐसा कौन सा ड्राइवर होता है जो भूखा घूमता है बगैर खाना खाए पिए। दावत में जाना है आज, तो दावत का भी सीन है आज जो है ना, सही वाली कमर दर्द हो गई, गाड़ी चला चला के आमिर भाई की दुकान पे एक सामान रखवाया था, वो लेने के लिए अभी आ गया। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं, खैरियत से ठीक ठाक? आमिर भाई फुल बिजी चल रहे होंगे इस टाइम पे, पता आपको कैसे पता चला मैंने कुछ नहीं खाया पूरे दिन में, मेरी हालत देख के तो नहीं लगा आपको? ये देखे भाई फ्रेश फ्रेश जो है ना, आमिर भाई निपटाएंगे अभी हम दोनों ना, ये मिल गया देखिए, मतलब प्लेट में भी नहीं, डायरेक्ट इतनी फ्रेश है कि डायरेक्ट सीख में आई है हमारे। नहीं 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 नहीं, बिस्मिल्लाह चिकन के लगाओ, मज़ा आ गया। दावत के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी जो आ रहा है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए और चीज़ आ गई माशाल्लाह, दावत में जाने जाने में टाइम है, ट्रैफिक बहुत होता है, अभी जाते जाते ये हज़म हो जाएगा सारा। वाह आमिर भाई रोके नहीं हाथ, सलमान भाई क्या बात है यार माशाल्लाह, मज़ा आ गया है, बेहतरीन ज़बरदस्त। ये आ गया है मलाई बोटी बर्गर, हाँ पहले कभी नहीं सुना मलाई बोटी बर्गर का, यहीं पे बनता भाई, मीरठ पे बनता है, ज़रा ट्राई करते हैं कैसा है, पहली मरतबा खा रहा हूँ मैं इनका मलाई बोटी बर्गर। देखो अलग ही एक्सपीरियंस है, अच्छा यार। वालेकुम अब्दुल कबीर, कैसे हो? ठीक। आपकी बैंडेज खोल दी वाली, पीछे दिखाओ जरा, पीछे दिखाओ, पीछे दिखाओ सर दिखाओ, अच्छा ये वाली बैंडेज डॉक्टर ने कहा था नहाते वक्त खुद उतर जाएगी। जी बेगम क्या लगता है आपको कि कितने पैसे आज मुझे मिले होंगे गाड़ी चला के? कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, 3700 रुपए जो है ना टोटल मैंने जो है वो कस्टमर से लिए, 3700, इसमें 700 रुपए उधार हो गए, कंपनी मुझे बाद में देगी, 3000 रुपए मुझे मिल गए, ठीक है, तो इसमें से भी कुछ पोर्शन कंपनी के पास जाएगा बाकी मेरे पास आएगा। तो अब जो है वो आप क्या कहती हैं, कहीं खाने वाने पे ले जाऊँ आपको? ले जाएं, चलें फिर कहीं दावत पे ले जाते हैं, 3000 रुपए सेव करते हैं कहीं दावत में ले जाते हैं। मैं किसको उठाऊँ, आपको उठाऊँ या इसको उठाऊँ? मुझे। अच्छा और ये बोल रहा है मुझे, अब क्या करें? अब्दुल कबीर आज आपके लिए बहुत सारे लोगों ने कॉल की मुझे, हाँ हाँ सब ने पूछा कि आपका बेटा कैसा है, मैंने बोला ठीक है माशाल्लाह, सबको बोल दो थैंक यू। भाई अब जो है ना मैं फैमिली के साथ निकल गया हूँ पूरे दिन की थकन के बाद, आज दावत थी आपके भाई को तो वहीं पे जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, दावत से होके हम लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फैमिली वाला सेटअप था तो ज़ाहिर है वहाँ पे हम लोग व्लॉग श्लॉग नहीं बना सके, लेकिन दावत में मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ मिली है तोहफे में, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। भाई घर आके अभी जस्ट लेटा था मैं, 5 मिनट हुई थी और ये देखें मेरे पास लेटे लेटे सो गया, कैसा थका हुआ था मोहम्मद अहमद भाई। अब जो है ना मैं आप लोगों को जो स्पेशल गिफ्ट था ना वो दिखाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो मोहम्मद अहमद भी पीछे से खड़ा हो गया, इसकी नींद खराब हो गई, उसने बोला अप्पा ही उठाएंगे मुझे, मैंने बोला अम्मा की गोद में चले जाओ, बोला नहीं अप्पा के पास आना था। अब देखें मैं आप लोगों को चीजें दिखाता हूँ कुछ, ठीक है, इसके अंदर कपड़े हैं, ओके, इसके अंदर जो है वो मेरे बच्चे की टूल किट है जो कि अब्दुल कबीर को बहुत पसंद है, आप लोगों को पता है मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो टूल किट के बगैर आने की इजाजत नहीं होती, और इसके अंदर बड़ी वाली ड्रिल मशीन है जिसको देख के अब्दुल कबीर बहुत खुश हुआ। मैं आप लोगों को स्पेशल गिफ्ट दिखाता हूँ कि वो क्या है, ठीक है, ये देखें बहुत ही प्यारी सी पैकिंग है। अच्छा सबसे पहले जब मैं उनके घर पे बैठ के मैंने ये देखा मुझे लगा कि ये सिर्फ फ्रंट है, मतलब यही है, ठीक है, तो ये मैंने रिसेंटली जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर ये पिक्चर पोस्ट की थी जब मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे गया था, बहुत प्यारी तस्वीर मेरी अब्दुल कबीर के साथ ये थी, तो इन्होंने यही लगाई, फिर बाद में पता चला कि आपने तो जो है इसको खोलना है, तो अब जैसे ही हमने इसको खोला तो पता चला भाई ये तो पूरा हैंडमेड बनाया हुआ है, और ये देखें इस पर तो कितना ज़बरदस्त, मतलब ये सारी वो तस्वीरें हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो ये सारी तस्वीरें जो हैं वो इन्होंने लगाई हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, और ये देखें आप
बड़ा मेहनत का काम होता है ये। और ये देखें, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर आपको और भी कुछ बता दूँ। ये अब्दुल बासित भाई के साथ लगाई हुई तस्वीर, ये अब्दुल कबीर, मोहम्मद अहमद। अच्छा, ये भी रीसेंट ट्रिप की है। ये जब मोहम्मद अहमद जो है ना नहीं नज़र आता था वीडियोज़ में, ये उसको की पिक्चर्स हैं, अलिशबा। और ये मेरे घर की तस्वीर है, ये अब्दुल कबीर को एक बार मैं ट्यूशन छोड़ने गया था। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इससे मुझे याद आया, जब उन्होंने ये गिफ्ट दिया ना, तो इससे मुझे याद आया कि बेगम ने भी एक मरतबा शादी की सालगिरह पे, शादी की सालगिरह पे बड़ा बेहतरीन किस्म का इस तरह का मुझे बना के दिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, इन्होंने बड़ी मेहनत की। और ये देखें, ये इनका जो है ना ये पूरा सेटअप, ये देखें क्राफ्ट्स के नाम से, ahmcrafts.com, सही है। तो इसके ऊपर जो है ना ये लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और भी चीज़ें कस्टमाइज एनवलप्स वगैरह, ये देखें काफ़ी सारे इन्होंने दिए हैं। जैसे ईद मुबारक, जैसे ईद मुबारक एनवलप्स हैं, जिसके अंदर आपके भाई का खर्चा हो गया, सारे एनवलप्स जो है ना हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारा सिलसिला था भाई, बहुत मजा आया हमारे शमीम भाई के घर पे दावत पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना हम सोएंगे और अब आपको भी सुलाएंगे, सही है। और आप लोग भी सोचा नहीं, बल्कि आप लोग तो जोहर के टाइम पे ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग तो काम कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। होपफुली आज की जो है ना आपके भाई की ड्राइवर बनने वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी। कल के ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।